subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड, तो आज हमारे पास मूवी स्टार C1 यह मोबाइल है और आज इस वीडियो में हम दोस्तों इसके जो माइक और रिंगर की सप्लाई है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कभी कभी हमारा ये जो माइक और रिंगर का जो बेल्ट है ये कट जाता है, इसकी वजह से हमारी जो माइक वर्क नहीं करती है या फिर यह जो है वो वाटर डैमेज हो जाने की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारी माइक और रिंगर वर्क नहीं करता है। तो यह जो है ये सीधे LCD से सप्लाई होकर आती है, पहले बेल्ट से होकर LCD में एंटर होती है, उसके बाद ही जो है हमारी सप्लाई माइक और रिंगर को मिलती है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन हम आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगे कि यह सप्लाई कहाँ से कहाँ जाती है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको जो बोर्ड पर इसकी सप्लाई कहाँ पर जाती है यह हम दिखाएंगे, डिस्प्ले कनेक्टर पर भी कहाँ जाती है यह भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर पर कहाँ पर जाती है यह देखेंगे, उसके बाद बोर्ड के पीछे जो सप्लाई जाती है इसके माइक की और रिंगर की वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है जो PCB का जो बोर्ड है वो हमने ले लिया है ताकि आपको सप्लाई जो है समझा सके, क्योंकि ये बोर्ड बहुत लंबा हो जा रहा था, इसके वजह से हम थोड़ा इमेज को कट करके यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ताकि आपको समझ सके। तो इस तरह से हमने बोर्ड ला लिया है, तो अभी हम आपको सप्लाई भी बता देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप डिस्प्ले कनेक्टर पर ऊपर के साइड में ये वाली जो ट्रैक है, जैसे 3 नंबर की ट्रैक यानी 3 नंबर की ट्रैक ये दिख रही है आपको, अगर आपका जंपर डिस्प्ले कनेक्टर पर ना हो तो आप ब्लेड से वो जो ट्रैक है वो क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि हमने ट्रैक बना दी है वो क्रैच करके आप जो है रिंगर पर यहाँ पर जंपर कर सकते हैं। इस तरह से हम आपको बोर्ड के पीछे वाली सप्लाई भी बताएंगे ताकि आपको अगर यहाँ पर जंपर करने में दिक्कत हो रही है तो आप बोर्ड के पीछे से भी कर सकते हैं। और ये दूसरी वाली जो सप्लाई है दोस्तों प्लस वाली, यह ट्रैक जो आ रही है इस पर आती है, ये 2 नंबर की ट्रैक है दोस्तों यानी 2 नंबर की ये इस पर आ रही है। तो ये तो हो गई दोस्तों रिंगर की सप्लाई, अब हम आपको माइक की सप्लाई बताएंगे और रिंगर की सप्लाई पीछे बोर्ड पर कहाँ पर जाती है यह भी हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए ये माइक की सप्लाई है और ये जो 4 नंबर की पिन है यानी 4 नंबर की पिन ये जाती है माइक के प्लस पर, प्लस पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ पर और अभी रह गई हमारी माइनस वाली सप्लाई, तो यह डिस्प्ले कनेक्टर के नीचे वाली साइड में 5 नंबर पिन पर जाती है यानी 5 नंबर पिन पर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जंपर जो करना है बहुत मुश्किल है, तो हम आपको पोर्ट पर जो सप्लाई जाती है वहाँ पर दिखा देंगे। बोर्ड पर ताकि आपको जंपर करने में भी आसानी हो जाएंगी और आप अच्छे से जंपर भी कर सकेंगे, ताकि यहाँ से आपका सप्लाई अगर ना बन पाए तो आप वो साइड से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने बोर्ड को पीछे के साइड में रख लिया है, अभी हम आपको सप्लाई बताएंगे। ये जो है माइनस वाली सप्लाई जो है दोस्तों रिंगर की, ये बोर्ड के पीछे के वाले साइड में यहाँ पर जाती है इस रजिस्टर पर, वहाँ पर ऊपर हमारी रिंगर की आईसी लगी हुई है। अगर वाटर डैमेज की वजह से ये रजिस्टर फेल हो जाता है तो आप दूसरे साइड जंपर कर दीजिए या रजिस्टेंस को शॉर्ट कर दीजिए, और ये प्लस वाली सप्लाई है उसके बाजू में ही दूसरे वाली सप्लाई पर यानी दूसरे वाले रजिस्टेंस पर जाती है। देखिए यहाँ पर, और अगर ये भी शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए
तब रिस्टार्ट कर सकते हैं, और या तो फिर डायरेक्ट जम्पर भी कर सकते हैं। अब हमारे बच गए माइक के सप्लाई, तो ये देखिए ये माइक की सप्लाई, आपको इसके लिए जो कवर है ऐसे कवर हटाना होगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर नीचे वाले जो कॉर्नर पर का पॉइंट है, यहाँ पर हम जम्पर दिखा रहे हैं उस पर देनी है प्लस की सप्लाई, और दूसरी सप्लाई उसके ही ऊपर यहाँ पर दे देनी है, ताकि आपको जम्पर करने में आसानी हो जाएगी और आप इजी से जम्पर कर सकेंगे। इस तरह से दोस्तों जम्पर करनी है तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नया आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।